वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की निकटवर्ती जिलों में दुर्घटनाओं के बढ़ते ग्राफ पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में चेकिंग अभियान तेजी कर के साथ शुरू कर दिया है। वहीं तीनों जनपदों में सड़क सुरक्षा व्यवस्था के नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए परिवहन विभाग ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर चेकिंग के लिए स्पेशल टीमों का भी गठन किया है। अल्मोड़ा जिले में चेकिंग अभियान में 568 वाहनों के चालान अभी तक काटे गए हैं, जबकि 48 वाहनों की सीज किया गया जा चुका है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की खास रिपोर्ट। अल्मोड़ा संभाग के अंतर्गत हमारे तीन जनपद हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और चार ऑफिस हैं हमारे, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इन चार ऑफिसों में जो है 1,26,700 के करीब गाड़ियां पंजीकृत है, और इस समय जो है टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफी लोग आ रहे हैं बाहर से, और अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए और दुर्घटना की संभावनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से हमने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। सभी जनपदों में चेकिंग अभियान चला हुआ है। अल्मोड़ा में ही, अल्मोड़ा संभाग के अंतर्गत ही, इस जिले में ही, इस ऑफिस के अंतर्गत अब तक जो है 564 वाहनों के चालान किए गए हैं अभी जून तक अभी अद्यतन, और 48 गाड़ियां सीज की गई हैं, और लगभग 8,80,000 के करीब जो है ये जुर्माना वसूल किया गया है, और आगे भी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी।